पाइकोलेव में यूक्रेन ने मार गिराया रूस का ड्रोन। यूक्रेन के सैन्य प्रशासन ने जारी किया हमले का वीडियो। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का टूटा, रूस पर कहर। रूस के ड्रोन को मारने का वीडियो रखा गया सामने। इस वीडियो को आपको भी दिखाते हैं। तो क्या रशियन ड्रोन्स के ऊपर अब यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम हावी होने लगा है? क्या उसको काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी मिल चुकी है पर्याप्त कि वो यहां से होने वाले ड्रोनों का हमला, क्योंकि ड्रोन कई तरह के वहां से इस्तेमाल हो रहे हैं। शहीद ड्रोन शहीद 136 अर्श, ये कहा जा रहा है कि ये दिए हैं ईरान ने। उधर चाइना की तरफ से भी कई ड्रोन्स दिए गए हैं और खुद वहां के अपने लैंसेट और ऑरलान जैसे ड्रोन हैं। तो क्या उन ड्रोनों के खिलाफ अब पर्याप्त सुरक्षा यूक्रेन के पास आ गई, या ये वन ऑफ शिकार हैं, एकाध शिकार, जिस तरीके से टैंक्स के किए जा रहे हैं उसी तरीके के शिकार एकाध जो ड्रोन के किए जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें दुनिया के सामने रखी जा रही है। हमारे एक्सपर्ट से ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगली अहम खबर आपके सामने रखता हूं यूक्रेन के जंगी मैदान से। आज की एक और बड़ी खबर ये देखिए, जंग में यूक्रेन के सैनिकों के सामने बहुत बड़ा संकट। स्टारलिंक की 1300 मिलिट्री सैटेलाइट यूनिट ऑफ यूक्रेनी सैनिकों को इंटरनेट प्रोवाइड कराती है स्टारलिंक, और स्टारलिंक सैटेलाइट 1300 यूनिट्स ऑफ। इसका मतलब क्या है और ये कितना ये हाई प्रसिशन ये जो टारगेट्स बनाने में अभी यूक्रेन कामयाब रहा है रशिया के कई ठिकानों में, जो बहुत सटीक हमले बोले गए हैं वो इन्हीं जानकारियों के आधार पर जो इन सैटेलाइट से मुहैया हुई हैं। और अगर ये ऑफ हुआ है तो असल में क्या हुआ है, ये एक इत्तेफाक है, ये एक शटडाउन है जो कभी भी हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच है कोई, या असल में ये बताया जा रहा है स्टारलिंक की तरफ से। एलन मस्क, आपको याद होगा, पहले भी कह चुके हैं कि अनंत काल तक मैं इस तरीके की सेवाएं नहीं दे सकता। तो क्या जो बाइडेन के बाहें उमेटने के बाद कुछ दिनों तक तो इसको उन्होंने जारी रखा, इससे पहले ही वो बिल दिखा चुके हैं कि कितने लंबे तगड़े बिल आ रहे हैं वहां उन लोगों के जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और जो बैटल फील्ड में हैं अलग अलग जगहों पर यूक्रेन की तरफ से। तो क्या ये जानबूझकर एक संदेश दिया गया है या ये टेक्निकल ग्लिच है, हमारे एक्सपर्ट्स ये भी आपको बताएंगे। अगली अहम खबर आपको ये दिखा दूं मैं, यूक्रेन में मस्क को भारी पड़ रही है ये फ्री इंटरनेट सेवा, जैसा मैंने आपको बताया। पेंटागन को लिखी चिट्ठी से बहुत बड़ा खुलासा, फ्री इंटरनेट के लिए मस्क के $100 मिलियन खर्च। फंडिंग प्रॉब्लम के चलते 1300 यूनिट ऑफलाइन हुई है, क्या ये फंडिंग प्रॉब्लम है? और क्या जो इतनी सारी मिलिट्री एड और तमाम तरह की एड अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को, क्या वो अपनी तरफ से ये बिल भरेगा, क्या होगा? एलन मस्क क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं वो ट्विटर ले लेने के बाद। एलन मस्क करना क्या चाह रहे हैं, जरा ये भी समझेंगे। ये तीनों अहम खबरें आपके सामने, ये हवा में ड्रोन को मारने का वीडियो, ये एयर डिफेंस के मामले में अपना एक अपनी वन अपमैनशिप दिखाने की कोशिश की है यूक्रेन ने, साथ में आपने देखा टैंक्स के भी इसी तरह के विजुअल्स आते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया 1300 यूनिट्स बंद होने का मतलब यह है कि बहुत कम्युनिकेशन के मामले में कई जगहों पर यूक्रेनी सैनिकों को बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम झेलनी पड़ी होगी, कहा यह जा रहा है। इसके कारण जो ये कारण है वो ये है कि एलन मस्क ने यह कहा है कि हम इसको हमेशा के लिए जारी नहीं रख सकते। और अब जरा इसको समझिए, यूक्रेनी सैनिक खो सकते हैं स्टार लिंक इंटरनेट सेवा, और अगर ये नहीं रहा तो यूक्रेन को बहुत बड़ा तगड़ा झटका होगा और ये रूस के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी मदद होगी, कहा ये भी जा रहा है कहीं। और हर चीज में आप जानते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ढूंढी ली जाती है कि एलन मस्क का रूस से कोई असल में अंदर खाने कोई एक बात उनकी हो गई है और जिसके तहत वो ऐसा कर रहे हैं। अब जरा देखिए, जवानों को नेटवर्किंग की समस्या, आपस में बातचीत करने के लिए कम्युनिकेट करने के लिए ये एक बहुत बड़ी मदद, और ये एक बड़ा रोड़ा अगर ये ऑफ है तो मैसेजेस देने में पास ऑन करने में परेशानी, रूस की पोजीशंस मिलने में, और फिर उसके हिसाब से उन कोऑर्डिनेट्स पर हमला करता है, उसी से प्रिसीजन अटैक होता है यूक्रेन का, ये कई जगहों पर ये समस्या होगी। तो किस तरीके से नेटवर्किंग, आपस में बातचीत, संवाद और दुश्मन के ठिकानों पर हमला, ये एक मुश्किल हो रही है। यहां पर देखिए 1300 मिलिट्री सैटेलाइट यूनिट ऑफलाइन हो गई, यहां सैनिकों को इसी से सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन का एक माध्यम बनता है और मोबाइल नेटवर्क भी इसी के जरिए।